अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का वो नाम है जो अक्सर किसी न किसी विवाद में उलझा रहता है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ये और भी चर्चा में आ गए। अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल आंदोलन से भारतीय राजनीति में कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक समय में अपनी तीव्र राजनीतिक सक्रियता से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इन्होंने आंदोलन के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसे 70 में से कुल 28 सीटें मिली थी। लगभग 1.5 महीने कांग्रेस के बाहरी समर्थन में सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद लगभग 1 वर्ष तक दिल्ली में एलजी का शासन रहा। दूसरी बार जब चुनाव हुए तो ये परिणाम और भी बेहतर हो गया। हरियाणा में जन्मे अरविंद के पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अरविंद केजरीवाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े भाई हैं। इनका बचपन उत्तर भारत के शहरों में जैसे सोनीपत, गाजियाबाद, हिसार आदि में गुजरा है। अरविंद केजरीवाल ने हिसार के कैंपस स्कूल और इसके बाद सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। अरविंद यूपीएससी पास कर आईआरएस अधिकारी बने। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का मानना है कि राजनीति के इस कीचड़ को साफ करना भी हम देशवासियों का काम है। इसीलिए आंदोलन के साथ एक स्वस्थ सक्रिय राजनीति की भी जरूरत होती है। जब अरविंद केजरीवाल सरकारी पद पर थे तब उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। तब उन्हें समझ आया कि इस तंत्र में अफसरी करते हुए भ्रष्टाचार को काबू में नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने 2006 में आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद वो लगातार सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे और समाधान के रास्ते ढूंढते रहे। इन्होंने अन्ना के आंदोलन में भाग लिया जहां उन्हें पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई और इस तरह नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई। अरविंद केजरीवाल को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2005 में इन्हें आईआईटी खड़गपुर की तरफ से सत्येंद्र के दुबे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इन्हें सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की वजह से दिया गया। 2006 में इन्हें परिवर्तन जन आंदोलन के नेतृत्व करने की वजह से रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। इस अवार्ड की सारी राशि अरविंद केजरीवाल ने एक एनजीओ को दान कर दी थी। अरविंद केजरीवाल का नाम कई कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जब से राजनीति में कदम रखा है वो विवादों में घिरे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए टीवी एड निकाला था जिसमें वो परेशान करते रहे हम काम करते रहे ये लाइन थी जिसके चलते वो विवादों में आ गए थे। इसी तरह प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ भी अरविंद का विवाद देखा गया। आप पार्टी बनने में इन दोनों का भी योगदान है। बाद में इनके और अरविंद के बीच रिश्ते खराब हो गए। एक वीडियो में अरविंद इन दोनों को गालियां देते नजर आए थे। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट दी है जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। इनके मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री निवास में बिजली बिल 1 लाख रुपए का आया था। इस पर भी बहुत घमासान हुआ था। चलिए आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को हिंदी फिल्में देखना पसंद है और आमिर खान उनके फेवरेट एक्टर हैं। आईआईटी और सिविल सर्विस जैसी कठिन एग्जाम अरविंद केजरीवाल ने एक ही बार में पास की है। केजरीवाल की रुचि राजनीति में नहीं बल्कि थिएटर में थी। आईआरएस अफसर होने के दिनों में इन्होंने चपरासी की सेवा नहीं ली और ये रोज अपना डेस्क खुद साफ करते थे। सादगी से भरपूर इस व्यक्ति को एक बार फिर दिल्ली की जनता ने बहुमत से जिताकर दिल्ली की कमान सौंपी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।